इसके 15 पदों का योगफल ज्ञात करें। चलिए, एनवा पद क्या है, 9 माइनस का फाइपन है और 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। चलिए तो कुछ पद निकाल लेते हैं, जैसे पहला पद 9 माइनस का 5 इंटू में 1, तो यहाँ पे 9 में से 5 गया 4। चलिए दूसरा पद निकाल लेते हैं, 9 माइनस का 5 इंटू में 2, 9 में से यहाँ पर 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस का 1। तो पहले सार्वन्तर निकालते हैं क्या होगा, सार्वन्तर ठीक है डी, वो क्या होगा ए टू माइनस का ए वन ना, यानी कि माइनस का 1 माइनस 4 माइनस 5 आ जाएगा, और ऊपर हमारा प्रथम पद है ही, प्रथम पद है आपके पास ए 4 है। तो चलिए यहाँ पे 15 पदों का योगफल, यानी एन बराबर 15 ले लेना है, एस एन लग निकाल देना है, एन बाई टू टू ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू में डी। चलिए एन के जगह पे कितना हो जाएगा, 15 बटा में 2, 2 गुना ए का मान, ए का मान यहाँ पे कितना है 4 है, एन माइनस 1 15 माइनस 1, और डी का मान यहाँ पे कितना है, डी का मान माइनस का 5 है। चलिए अब इसे आगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 15 बटा 2 अंदर हो जाएगा आपका 8 प्लस का 14 गुना माइनस का 5। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, 15 बटा में 2 यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस का 70, तो 15 बटा में 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 62 ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 31 हो जाएगा, माइनस का 31, तो 15 में माइनस 31 से गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 465, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34।